हेलो गर्ल्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मूवी बंगाली मूवी का रिव्यू इस मूवी का नाम है बच्चन बच्चन 2014 की एक भारतीय बंगाली कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राज राजचंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलीमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह है फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजेश चंदन ने किया है पटकथा एन के कहानी द्वारा पौ, पौन कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत ऐदृता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगुली ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हज़ार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलिस का नाम रखा और किमदती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंजर मलिक है जो उसके भविष्य बहुशे की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वथ करन खराज मुखर्जी को वितरित करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एद्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो स्वार्थी चटर्जी साहेब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ पुलफुर्ति करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फ़ोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर मास्टर से तरह तरह के काम की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन मुझ... कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन है इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस मूवी में त्रिशला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवनिवृत्त कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्ल्ड किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी कैमी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो रहा है कि फिल्म की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रीमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इदर्गिदे केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है विष्णुवर्धन में भावना, भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिटर ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रिमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज़्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म में जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलीमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा व्यतीत रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस भारत भाषा बंगाली भूखंड उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक काशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलिस का नाम रखा और किमदी का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्मित कर्नल खुराज मुखर्जी को वितरित करते समय उसके बाद की छोटी पिर्य, बेटी प्रिया एद्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो चटर्जी चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग है गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर से तरह तरह के काम मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में त्रिष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस मूवी में त्रिशला के रूप में है, है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवनिवृत्त कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में है सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी कैमी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इदिर्गिद केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है टलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्र किरे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की में जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजा चंदन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पौ, पौन कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिप्ता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित है रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलिस का नाम रखा और किमदंती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त खुराज मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एद्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सार्थी चटर्जी साहब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ पुलफुर्ती करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर मास्टर से तरह तरह के काम से की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में चुहेटिस्ट त्रिशिला पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका उक, किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस में त्रिशला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है सुप्रिया के पिता सेवनिवृत्त कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुरुगो के रूप में हैं सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी कैमी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो रहा है कि फिल्म की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रीमेक है जिसमें सुदीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्द केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है टलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्र किरे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 के बारह की फिल्म जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पो, पोन कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिका रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित है रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हज़ार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और किमदंती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त कर्नल खुराज मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी पिर्य, बेटी प्रिया एद्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो चटर्जी साहेब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फ़ोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइल को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर मास्टर से तरह तरह के काम से मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन मुव... कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंद्रिया इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका उक... किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी मु... इस मूवी में त्रिस्ना के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्किंग किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी केवी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विशुवर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्गिर्द केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है बच्चन था, एंद्रे की में भावना, भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रिमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 के बारह की फिल्म जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एन के कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिप्ता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत है जीत गांगुलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित थी एंटरटेनमेंट रिलीज की तारीख है 26 सितंबर 2014 कार्यकारी समय 148 मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और किंवदंती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य भावशे की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त कर्नल खराज मुखर्जी को व्यथित करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एद्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सार्थी चटर्जी साहेब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशनर को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर से तरह तरह के काम से मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका उक, किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस मूवी में त्रिस्ला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवनिवृत्त कर्नल के रूप में खुराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्ल्ड किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी कैमी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्द केंद्रित है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है टलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्र गिरे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म में जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पौ, पौन कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित है रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलिस का नाम रखा और किमदंती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त खुराज मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एद्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देश अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सार्थी चटर्जी साहब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ पुलफुर्ती करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशन को का अपहरण आदि त्रिशिला पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका उक, किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी मु, इस में त्रिशला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवानिवृत्त कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं कर मास्टर के गुरुगो के रूप में हैं सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी कैमी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रियामणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्द केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है टलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्र किरे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 के की फिल्म में जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिका रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित है रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और कि का नाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर मलिक है जो उसके भविष्य बहुशे की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त करना मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एद्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सार्थी चटर्जी साहब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ पुलफुर्ति करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फ़ोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइल को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर मास्टर से तरह तरह के काम से मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में त्रिशिला पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में त्रिश्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंद्रिया इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका उक, किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस मूवी में त्रिस्ना के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवन कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्किंग किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी के भी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विष्ववर्धन की रीमेक है जिसमें सुदीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्द केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है बच्चन था, एंद्रे की में भावना, भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रिमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजेश चंदन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिप्ता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित है रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और किमदती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य बहुशे की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त करना मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एदृता रिक्ष से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निधन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सारथी चटर्जी साहब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ फुर्सत करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है। एक दिन सड़क से से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर मास्टर से तरह तरह के काम की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस मूवी में त्रिस्ला तुण के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवानिवृत्त कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्ल्ड किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी कैमी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्द केंद्रित है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है

मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म जिसका निर्देशन राजचंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजा चंदन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पो, पोन कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा व्यतीत रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस भारत भाषा बंगाली भूखंड उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक काशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलिस का नाम रखा और का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचर मलिक है जो उसके भविष्य की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त कर्नल खुराज मुखर्जी को वितरित करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एद्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सार्थी चटर्जी साहेब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ प्रफुर्ति करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग है गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर से तरह तरह के काम जैसे मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका उक, किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस में त्रिशला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवनिवृत्त कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में है सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी कैमी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताई में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रियामणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्द केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है टलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्र किरे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 के की फिल्म में जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिका रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू उत ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित लाइंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो कार्यकारी समय एक मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और किमदंती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य भावशे की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त कर्नल खुराज मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एद्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो चटर्जी चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर मास्टर से तरह तरह के काम से मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंद्रिया इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी मु, इस मूवी में त्रिशला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्किंग किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी के भी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो रहा की कन्नड़ फिल्म विशुवर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्द केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है चलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्र गिरे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म जिसका निर्देशन राजचंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजेश चंदन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और किमदती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर मलिक है जो उसके भविष्य बहुशे की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त खराज मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देश अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो चटर्जी चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग है गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशनर को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर, तरह तरह मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिशना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में त्रिष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका उक, किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी मु, इस मूवी में त्रिशला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवानिवृत्त कर्नल के रूप में खुराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्ल्ड किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी कैमी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्गिदे केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है टलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्र किरे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलीमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित थी लाइंस एंटरटेनमेंट रिलीज की तारीख है 26 सितंबर 2014 कार्यकारी समय 148 मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कटर कटर प्रतिशतक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और किंवदंती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंजर मलिक है जो उसके भविष्य की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वहन खुराज मुखर्जी को विहित करते समय उसके बाद की छोटी पिर्य, बेटी प्रिया एदिति से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो चटर्जी चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर से तरह तरह के काम मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में त्रिश्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका उक, किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस मूवी में त्रिशला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है के पिता कर्नल के रूप में खुराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर साह के रूप में किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में है सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर पार्थ सारथी चटर्जी के भी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताई में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इदिर्गिद केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है टलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्री किरे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 के की फिल्म में जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 हजार चोड़े, चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिका रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगुली उत ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित है रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलिस का नाम रखा और का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य बहुशे की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त कर्नल मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एदृता रिक्शे प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सारथी चटर्जी साहब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ पूर्ति करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फ़ोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइल को छिपाने के लिए कमिश्नर को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर से तरह तरह के काम जैसे मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में ओया ट्रिस्ट त्रिशिला पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है तृष्णा क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं, इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उक, का किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस में त्रिस्ला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवनिवृत्त कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में है सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी के उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो रहा है कि की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रीमेक है जिसमें सुधीप भावना और मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्द केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है बच्चन था, एंद्रे की में भावना, भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है की मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रिमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एनके एन के कहानी द्वारा पो, पोन कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिप्ता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगुलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित रिलायंस एंटरटेनमेंट रिलीज की तारीख है 26 सितंबर 2014 कार्यकारी समय 148 मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और किंवदंती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंजर मलिक है जो उसके भविष्य भावशे की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वहन खराज मुखर्जी को विहित करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एदिति से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देश अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सारथी चटर्जी साहेब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग है गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशनर को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर से तरह तरह के काम मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिशना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में त्रिष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका उक, किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस मूवी में त्रिस्ला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवनिवृत्त कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्ल्ड किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी कैमी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्द केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है टलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्रिय गिरे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एडिटर ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलीमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजा चंदन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पो, पोन कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा व्यतीत रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलिस का नाम रखा और किमदंती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त खुराज मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एद्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सार्थी चटर्जी साहब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ पुलफुर्ती करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग है गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइल को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर मास्टर से तरह तरह के काम मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में त्रिशला पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका उक, किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस मूवी में त्रिशला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता शिवनयุทธ कन्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर साह के रूप में अंडरवर्किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर पार्थ सारथी चटर्जी के भी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो रहा है कि फिल्म की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रीमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रियामणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिगिद केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है टलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्र किरे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 के की फिल्म में जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिका रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलो ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित है रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलिस का नाम रखा और कि का नाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य बहुशे की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त करना मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एदृता र से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सारथी चटर्जी साहब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ पुरफूर्ति करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फ़ोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइल को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर मास्टर से तरह तरह के काम से की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में त्रिश्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंद्रिया इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उक, उसका किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी मु, इस मूवी में त्रिशला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्किंग किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी के भी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताय में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्गिर्द केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है तलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्रिक्रे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एडिटर ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म में जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है एलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एनके एन के कहानी द्वारा पो, पोन कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिप्ता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित रिलायंस एंटरटेनमेंट रिलीज की तारीख है 26 सितंबर 2014 कार्यकारी समय 148 मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कटर कटर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और किंवदंती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंजर मलिक है जो उसके भविष्य भावशे की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वहन खराज मुखर्जी को विहित करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एदिति से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देशन अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सारथी चटर्जी साहेब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग है गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशनर को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर से तरह तरह के काम मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिशना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन मुझ... कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका उक... किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस मूवी में त्रिस्ला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवानिवृत्त कर्नल के रूप में खुराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्ल्ड किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी कैमी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताई में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्दे केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है टलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्रिय गिर की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एडिटर ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म में जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलीमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजा चंद्र ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिप्ता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा है रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और किमदंती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य बहुष्य की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त खुराज मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एद्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देश अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो सार्थी चटर्जी साहब चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ पुलफुर्ती करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग है गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइल को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर मास्टर से तरह तरह के काम से मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में चुहेस्ट त्रिशला पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उक, किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी मु, इस में त्रिशला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवानिवृत्त कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर साह के रूप में अंडरवर्किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर पार्थ सारथी चटर्जी के में उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताएं में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो रहा की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्गिद केंद्रित के है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है तलाय बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्रिक्रे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एडिटर ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म में जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिका रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित है लाइंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हज़ार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और किमदंती का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंजर मलिक है जो उसके भविष्य भाँशे की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्मित करना खुराज मुखर्जी को विहित करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया एत्रिता से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देश अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो चटर्जी चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है एक दिन सड़क से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फ़ोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फ़ोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशन को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर मास्टर से तरह तरह के काम मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में त्रिशिला पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिस्ना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में त्रिश्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंद्रिया इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी इस मूवी में त्रिस्ना के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता कर्नल के रूप में खराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी के भी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो रहा है की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के गिर्द केंद्रित है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है

मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म है, जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलिमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजेश चंदन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस मिनट देश भारत भाषा बंगाली भूखंड बच्चू उर्फ बिजू जीत अमिताभ बच्चन का एक कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलीचे का नाम रखा और किमदी का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए कमाने का सपना देखता है उसका एक ज्योतिषी मित्र शंकर कंचन मलिक है जो उसके भविष्य की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी अपने पिता द्वारा धोए गए और स्त्री किए गए कपड़ों एक सेवा निर्वृत्त करना मुखर्जी को व्यतीत करते समय उसके बाद की छोटी बेटी प्रिया से प्यार हो जाता है विजय को पता चलता है कि प्रिया अपने पिता के निर्देश अनुसार एक प्रेमी डॉक्टर पार्थो चटर्जी चटर्जी से मिलने वाली थी विजय अपने दोस्त शंकर के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रिया को धीरे से लुभाने की कोशिश में डॉक्टर होने का नाटक करता है कुल कुछ करने वाली स्थिति के बाद प्रिया को विजय की असली पहचान का एहसास होता है लेकिन जल्द ही उसकी हरकतों को मनमोहन पाते हुए उसे माफ कर देती है और उसकी भावना को भी बदल देती है। एक दिन सड़क से से गुजरते हुए विजय का कुछ गुंडों झगड़ा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में उसे पता चलता है कि गुंडे मास्टर मुकुल देव नामक एक अंडरवर्ल्ड किंग के गुर्ग हैं गुर्गे हैं विजय एक इस एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस अधिकारी से उसे मास्टर के सामने प्रकट न करने का अनुरोध करता है थाने से छूटने के बाद विजय को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो गलती से मास्टर की जेब से गिर गया गिर गया था मास्टर अपने ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल प्राप्त करता है और अज्ञात कॉलर फोन वापस करने की पेशकश करता है लेकिन विजय जो अज्ञात कॉलर है इसके लिए पैसे की मांग करता है मास्टर विजय से फोन प्राप्त करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है जिसमें पुलिस कमिश्नर दिवाकर शाह आशीष विद्यार्थी अभिनेता एक वीडियो है जिसके द्वारा वह सभी से मास्टर की फाइलों को छिपाने के लिए कमीशनर को ब्लैकमेल कर सकता है दूसरी ओर विजय मास्टर से तरह तरह के काम मास्टर की भाई का अपहरण आदि करके पैसे निकालता है बिल्ली और चूहे के इस खेल में पायल सरकार के रूप में आता है जो कुछ कारणों से मास्टर को मारना चाहती है बाकी की फिल्म सेल फोन के वीडियो के बारे में रहस्यों का खुलासा करती है त्रिशना क्या चाहती है कि मास्टर को मार दिया जाए और अंत में तृष्णा द्वारा बताए गए रहस्यों को सुनने की के बाद विजय क्या करता है बात करते हैं कौन कौन किस रोल में इस मूवी में किसका किरदार निभा रहा है जीत के रूप में विजय बच्चन हैं इंदिरा इंदिरा रे जो इस मूवी में प्रिया के रूप में उसका किरदार निभा रही है पायल सरकार पायल सरकार इस मूवी मुझ, इस मूवी में त्रिस्ला के रूप में है और इसका किरदार निभा रही है प्रिया के पिता सेवनिवृत्त कर्नल के रूप में खुराज मुखर्जी आशीष विद्यार्थी पुलिस आयुक्त दिवाकर शाह के रूप में अंडरवर्ल्ड किंग मास्टर के रूप में मुकुल देव हैं सोमनाथ कर मास्टर के गुर्गो के रूप में हैं, सुप्रिया दत्ता रमेश के रूप में विजय की पिता साहेब चटर्जी के रूप में डॉक्टर सारथी चटर्जी कैमी उपस्थित हैं सुभाष श्री गांगुली एक आइटम नंबर गीत लताए में विशेष उपस्थिति उत्पादन विकास बच्चन का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट के बैनर तले संयुक्त रूप से किया गया है यह है दो की कन्नड़ फिल्म विश्ववर्धन की रिमेक है जिसमें सुधीप भावना और प्रिया मणि ने मुख्य भूमिका निभाई थी कथानक में एक दिलचस्प घटना है जो अमिताभ बच्चन के इर्दिर्द केंद्रित है निर्देशक राजा चंदा के अनुसार यह फिल्म के नामकरण को सही ठहराता है टलाई बच्चन कन्नड़ अभिनेता इंद्रे किरे की बंगाली शुरुआत करता है जिन्हें इस फिल्म के लिए जीत के साथ महिला प्रधान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था उसने पुष्टि की कि वह विष्णुवर्धन में भावना भावना द्वारा निभाई गई भूमिका निभा रही थी वह कास्टिंग के बारे में एद्रिता ने कहा यह एक पूर्ण सहयोग है कि मेरी पहली बंगाली फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है मुझे लगता है कि यह मेरा प्रतीक है क्योंकि ये दो भाषाएं हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ती हूँ नायक निर्देशक और बैनर सबसे अच्छे हैं जो टॉलीवुड की पेशकश कर सकते हैं मैं डेब्यू के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकता था बच्चन टॉलीवुड के दो प्रसिद्ध चेहरों जीत और की पहली जोड़ी भी थी पायल सरकार पायल के मुताबिक फिल्म में उनकी भूमिका अहम है और इस किरदार में गहराई है मुकुल देव को भी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी 2012 की फिल्म में जिसका निर्देशन राज चंदा ने किया है और इसका निर्माण और वितरण रिलायंस एंटरटेनमेंट और ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है हेलीमेंटेड फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता जीत और पायल सरकार हैं यह दो की कन्नड़ फिल्म विष्णुवर्धन की आधिकारिक रीमेक है यह फिल्म 2014 चार चौदह के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस मूवी का निर्देशन राजा चंदन ने किया है पटकथा एन के सैलिलो कहानी द्वारा पोन पौ, कुमारन मूल कहानी पर आधारित है विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रास रूट एंटरटेनमेंट प्रो लिमिटेड अभिनेता जीत एद्रिप्ता रे पायल सरकार कंचन मलिक संगीत दिया है जीत गांगलू ने उत्पादन कंपनी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट्स व्यती है रिलायंस एंटरटेनमेंट रीच की तारीख है छब्बीस सितंबर दो हजार चौदह कार्यकारी समय एक सौ अड़तालीस अमिताभ बच्चन का एक कट्टर कट्टर प्रशंसक है जिसने जिसने बाद में विजय फिल्म कुलिस का नाम रखा और का उपनाम भी अपनाया विजय एक धोबी रमेश सुप्रिया दत्ता का बेटा है जो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता लेकिन लाखों रुपए